हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। आपणे मीन्स के प्रीवियस लेक्चर में मीन्स के आपणे स्टार्ट कर्यु हतुं न्यू चैप्टर यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एनी विषे मीन्स के एसक्यूएल नो फुल फॉर्म शू थाय, ते कई रीते वर्क करे छे, एना विषे मीन्स के आपणे मीन्स के इन्फॉर्मेशन लीधी हती। तो टुडे आजना सेशन में मीन्स के आपणे स्टार्ट करिए मीन्स के न्यू कम्पोनट्स। एनी पहेला मीन्स के हूँ तमने प्रीवियस लेक्चर में जे मैं डिस्क्राइब टू कम्पोनट्स मैं तमने कीधेला था एसक्यूएलना, तेना विषे मीन्स के हूँ तमने समझावी दऊँ तो ते कई रीते वर्क करे छे। तो आगळना मीन्स के सेशन में आपणे डीडीएल एंड डीबीएमएल मीन्स के आ बने कम्पोनट्स विषे मीन्स के आपणे इन्फॉर्मेशन लीधी थी, ते कई रीते वर्क करे छे ते मैं तमने स्टेप बाय स्टेप मीन्स के इन्फॉर्मेशन आपी हती। तो सो तमने बधाने एसक्यूएल नुं फूल फॉर्म तो याद हशे ज के शुं थाय, तो भी हूँ तमने फरीथी एक वार रिपीट करी दऊं के एसक्यूएल नुं फूल फॉर्म थाय छे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अने एसक्यूएल नो मोस्ट ऑफ यूज डेटाबेजनी अंदर मीन्स के जे डेटा होय छे एने मेन्युपुलेटिंग एंड एक्सेसिंग करवा माटे मीन्स के एसक्यूएल नी मीन्स के जरूर पड़े छे। तो हवे तमे एवुं विचारता हशो के कम्पोनट्सनो यूज केम थाय छे एसक्यूएलनी अंदर, तो एसक्यूएलनी अंदर कम्पोनट्सनो यूज आपणे एटला माटे करीए छीए के तमे जे क्वेरी लखो छो, ओके, जे तमे प्रेक्टिकली रन करो छो प्रोग्राम, एनी अंदर मीन्स के कोई ने कोई मीन्स के जे होय छे मीन्स के जे रीत होय छे एनी मीन्स के जे सूत्र होय छे मीन्स के कोई थियरिकल पोर्शन होय छे एना लगतो मीन्स के कोई ने कोई वस्तुनी आपणे जरूर पड़े छे। तो ए ज रीते एसक्यूएलनी अंदर भी मीन्स के तमारे आ जे कम्पोनट्स एटले के कमांड भी तमे कही शको छो। आने जे बेजिक कमांड छे एसक्यूएलना जे 5 एना अंदर मीन्स के जे कमांड आपेला छे कई रीते वर्क करे छे एनो यूज मीन्स के आपणे एसक्यूएल प्रेक्टिकलनी अंदर मीन्स के डेटाबेस तरीके मीन्स के करी शकीए छीए। तो डीडीएल कमांडनी अंदर मीन्स के कया कया आवे छे, तो डीडीएलनुं वर्क शू छे, तो सीम्पली डीडीएल वर्क छे ए तमारा टेबलने मीन्स के क्रिएट मॉडिफाय एंड व्यू करवानुं मीन्स के वर्क करे छे। तो डीडीएल कमांडनी अंदर आवे छे, तो कया कया कमांड आवे छे एनी अंदर क्रिएट अल्टर ट्रंक एंड ड्रॉप, आटला कमांडनो मीन्स के यूज थाय छे। ज्यारे डीबीएमएल छे, डीबीएमएल कमांड छे ए तमारा टेबलनी अंदर इन्सर्ट अपडेट डिलीट करवानो मीन्स के वर्क करे छे। एटले के सीम्पली के तमे जे बी टेबल क्रिएट मीन्स के बनावो छो एनी अंदरथी तमारे कई रीते डेटा इन्सर्ट करवो, अपडेट करवो अने डिलीट कई रीते मीन्स के करवो एना विषे मीन्स के आपणने जानकारी आपे छे। तो डीबीएमएलनी अंदर मीन्स के इन्सर्ट अपडेट डिलीट एंड लॉक कमांडनो मीन्स के आपणे यूज करीए छीए। तो आपणे जे आ कमांड विषे मैं तमने इन्फॉर्मेशन आपी थी ए सौथी पहेला हूँ तमने बतावी दऊं। तो अहींया सीम्पली हूँ कोई टेबल क्रिएट करूँ छूँ, ओके, आ सीम्पल मीन्स के तमारू टेबल ज क्रिएट छे। तो तमे डीडीएल डीबीए तमारे मीन्स के एसक्यूएलनी अंदर कोई टेबल क्रिएट करवू छे, तो तमे सौथी पहेला शू करशो के सीम्पली क्रिएट करवू छे तो तमे कया टेबलनो यूज करशो के क्रिएट कमांडनो। तो आ सौथी पहेला तमे कोई डेटा मीन्स के अंदर फेच करावता नथी, आ तमारू सीम्पल ड्रो मीन्स के टेबल थयुं, तो आ तमे क्रिएट टेबल थ्रू करो छो। अल्टर, तो अल्टर एटले के आनी अंदर जारे तमे डेटा मीन्स के फेच करावो छो, ओके, त्यारे तमे अल्टर कमांडनो यूज करो छो। तो सीम्पल अहींया हूँ स्टूडेंट आईडी लउं, स्टूडेंट नेम लो, एनरोलमेंट नंबर लो एंड डिपार्टमेंट, ओके। तो आ तमे जारे टेबल नी अंदर मीन्स के जे डेटा मीन्स के अंदर नाखो मीन्स के फेच करावो छो, अंदर मीन्स के एंटर करावो छो, त्यारे तमे अल्टर कमांडनो मीन्स के यूज करो छो। एटले के लॉजिकल स्ट्रक्चर, एटले के टेबल सीम्पल छे एनू मीन्स के तमे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करो छो डेटा अंदर फेच कराईने, तो एने तमे अल्टर टेबल कही शको छो। ट्रंक कमांडनी अंदर मीन्स के आवे छे, तो अहींया मैं आईडीमां 1 लख्युं, 2, अहींया नेम हूँ कोई भी लखी दऊं, नेमनी अंदर एमनो एनरोलमेंट नंबर हूँ लखू छूँ,
क्या डिपार्टमेंट में है ये हूँ लखूँ छूँ। तो सीम्पल एक ट्रंक कमांड यूज त्यारे थाय छे कि जयरे टेबल नी अंदर थी सीम्पली तमारे जे डेटा छे ए वन बाय वन मीन्स के फील्ड सीवाय ना के जे रिमूव करावा होय छे त्यारे तमे ट्रंक कमांड नो मीन्स के यूज करो छो। ओके, ड्रॉप कमांड, तो ड्रॉप नो यूज तमे के जे डेटा छे अमुक जे डेटा छे के कम्पलसरी तमारे ड्रॉप करवा छे के अंदर अहीं हाईलाइट नथी करावा पण तमारे ड्रॉप करवा छे। ओके, त्यारे तमे मीन्स के ड्रॉप कमांड नो यूज करो छो। एज रीते इन्सर्ट, तो इन्सर्ट अहीं जे मैं फोर कॉलम लीधेली छे अहीं हूँ फाइव कॉलम एड करावू अने अहीं कोई डेटा मीन्स के टेम्पररी एड करावू हूँ त्यारे तमारे आ इन्सर्ट मीन्स के कमांड नो यूज करो छो। अपडेट, तो अपडेट कमांड नो यूज त्यारे थाय छे कि आ सेकंडनी जग्याए जे सेकंड आईडी आपेलू छे एनी जग्याए हूँ सीम्पली थर्ड करूँ, रवि छे एनी जग्याए हूँ चेन्ज करीने मीन्स के कोई बीजू नाम लखूँ अने आ जे डिपार्टमेंट छे हूँ एना एज रहेवा दऊं छूँ। त्यारे तमे मीन्स के अमुक चेन्जिस करो छो टेबलनी अंदर रोनी अंदर त्यारे तमे अपडेट कमांड नो यूज करो छो। डिलीट, तो डिलीट नो यूज क्यारे थाय छे, तो परमानेंटली मीन्स के तमारे कोई रो के कॉलम मीन्स के आ रो के कॉलम परमानेंटली डिलीट करवी होय छे त्यारे तमे डिलीट कमांड नो यूज करो छो। अने लॉक, तो लॉक कमांड नो यूज क्यारे थाय छे कि आ ज्यारे तमे टेबल मीन्स के बनावेलू होय छे क्रिएट करेलू होय छे माय एसक्यूएल नी अंदर त्यारे तमारा सिवाय मीन्स के कोई थर्ड मीन्स के पर्सन तमारा पीसी ऊपर आवीने बेसे छे अने ए टेबल मीन्स के जोवे छे पण तमारे एने ए सिस्टम नी अंदर कोई चेन्जिस नथी लावा त्यारे तमे मीन्स के लॉक कमांड नो यूज करी सको छो। एटले के टेबल नी अंदर तमारी सिवाय मीन्स के बीजू कोई चेन्जिस करी सकतो नथी एटले के मल्टीपल यूजर्स चेन्जिस करी सकता नथी त्यारे तमे मीन्स के लॉक कमांड नो यूज करो छो। तो सो आजना मीन्स के आपणा आ से मीन्स के जोईशुं के आगळ नेक्स्ट कम्पोनंट विशे मीन्स के कमांड विशे जोईए। तो आजनो मीन्स के आपणो थर्ड कम्पोनट छे ए डिक्यूएल छे। तो सौथी पहला डिक्यूएल नो फूल फॉर्म शू थशे, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो डेटा क्वेरी नो लैंग्वेज नो आपणे यूज शू काम करीए छे, तो ए सीम्पल मीन्स के आनी अंदर मीन्स के एक ज कमांड यूज थाय छे डिक्यूएल नी अंदर। तो ए जानकारी मीन्स के इन्फॉर्मेशन लईए पहेला हूँ तमने बतावी दऊं कि एसक्यूएल नो मीन्स के डिक्यूएल नो एसक्यूएल नी अंदर यूज शू छे। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज एटले के तमने आइडिया आई ज गयो हशे कि क्वेरी रिलेटेड मीन्स के कोई इन्फॉर्मेशन मीन्स के आपणने आपे छे। तो सीम्पल ए जे डिक्यूएल छे तेने तमे एसक्यूएल कम्पोनट्स तरीके भी ओळखी सको छो। ओके, एसक्यूएल कम्पोनट्स तरीके भी तमे ओळखी सको छो अने जे तमारा डेटाबेसनी अंदर जे डेटा होय छे, ओके, डेटाबेसनी अंदर जे डेटा होय छे एने फेच करवा माटे तमे डिक्यूएल कमांडनो यूज करी सको छो। ओके, डिक्यूएल कमांडनो तमे यूज करी सको छो। नेक्स्ट टॉपिक एनी अंदर आवे छे के आनी अंदर तमे कया कमांडनो यूज करो छो, तो वन ऑफ ओनली वन ज कमांड आनी अंदर आपणे यूज करी शकीए छे, तो ए छे सिलेक्ट कमांड। ओके, सिलेक्ट कमांड आनी अंदर डिक्यूएल नी अंदर एक ज कमांडनो यूज थाय छे अने ते छे सिलेक्ट कमांड। ओके, तो हवे पछी आपणे जोईशुं के सिलेक्ट कमांडनो यूज शुं काम करवा करीए छीए आपणे। तो ए पहेला हूँ तमने सिलेक्ट कमांड विशे मीन्स के इन्फॉर्मेशन आपी दऊं। તો સિમ્પલી હું તમને એક્ઝામ્પલ મીન્સ કે સમજાવું કે જેમ આપણે મીન્સ કે જીવતા રહેવા માટે મીન્સ કે આપણે મીન્સ કે જીવતા રહેવા માટે હાથની જરૂર છે, હાર્ટ આપણું ચાલુ હશે તો જ આપણે મીન્સ કે આ દુનિયામાં જીવી શકીએ છીએ। તો એ જ રીતે સિલેક્ટ કમાન્ડને ડિક્યુએલ મીન્સ કે એસક્યુએલનું મીન્સ કે શું ગણવામાં આવે છે, હાર્ટ ગણવામાં આવે છે। હાર્ટ ઓફ SQL, ઓકે, એટલે કે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ
खूब ज इम्पोर्टन्स कमांड छे। ओके, एटले के तमे मीन्स के आगळना जे डीडीएल अने डीबीएमएल कमांड थ्रू मीन्स के तमे जे टेबल क्रिएट करवा माँगो छो, ए टेबल क्रिएट करवा तमे जे क्वेरी नो यूज करो छो, तो ए क्वेरी यूज करो ए पहला तमारे सिलेक्ट कमांड नो यूज करवो पड़े छे। तो कई रीते, तो अहीं तमे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के जे तमारे टेबल क्रिएट करवू छे, टेबल नु तमे नाम आपो, तो आ शू थयुं के तमे जे भी क्वेरीनो यूज करो ए पहला तमारे सिलेक्ट कम्पलसरी ज लखवू पड़े छे, एटला माटे त्याने एसक्यूएल नू हार्ट गणवामां आवे छे। ओके, तो डीक्यूएल नी अंदर मीन्स के एक ज कमांड नू यूज थाय छे अने ते छे सिलेक्ट कमांड। नेक्स्ट आवे छे के तेनी मददथी, एटले के एसक्यूएल सिलेक्ट कमांडनी मददथी आपणे डिफरंट जे डेटा छे ए डेटाबेस माथी डिफरंट डेटा मीन्स के डेटा फेच करी सकीए छीए। ओके, एटले के डीक्यूएल नू सौथी पहला तो फूल फॉर्म थशे डेटा क्वेरी लैंग्वेज, एनो यूज मीन्स के एसक्यूएल कम्पोनंट्स नी अंदर थाय छे। DQL નો નેક્સ્ટ યુઝ આવે છે કે ડેટાબેઝમાંથી તમારે જે ડેટા ફેચ કરવા હોય છે તે આપણે SQL કમાન્ડ થ્રુ કરી શકીએ છીએ, અને નેક્સ્ટ આવે છે એની અંદર ઓનલી વન કમાન્ડનો યુઝ થાય છે અને તે છે સિલેક્ટ કમાન્ડ, અને સિલેક્ટ કમાન્ડનો યુઝ મીન્સ કે SQLની અંદર એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે તેને હાર્ટ ઓફ SQL ગણવામાં આવે છે અને તે ડિફરન્ટ ડેટા ફેચ કરી આપે છે। ઓકે, નેક્સ્ટ આપણો કમાન્ડ આવે છે કે DCL, તો DCLનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે, તો ડેટા કંટ્રોલ લેંગ્વેજ। DCL નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે, તો ડેટા કંટ્રોલ લેંગ્વેજ। ઓકે, તો ડેટા મીન્સ કે DCL મીન્સ કે DCLનો યુઝ કઈ રીતે મીન્સ કે કરીએ છીએ, એની અંદર ભી અમુક કમાન્ડ્સ આવે છે, એ જે તમારે જે ટેબલ મીન્સ કે ડેટાબેઝની અંદર MySQLની અંદર જ્યારે તમે પ્રેક્ટિકલી રન કરાવવા માગો છો તો એ બી કમાન્ડનો મીન્સ કે યુઝ કરવો પડે છે આપણે। તો DCL છે એ તે ફર્સ્ટ ઓફ યુઝ સેટ ઓફ SQL કમાન્ડ। ઓકે, કે SQLનો તમે સેટ ઓફ કમાન્ડ તરીકે ઓળખી શકો છો, અને જે ડેટાબેઝને કંટ્રોલ કરવા માટે મીન્સ કે SQLનું મીન્સ કે આપણે જે ડેટાબેઝ હોય છે ડેટાબેઝ પરનું જે કંટ્રોલ હોય છે જે ડેટાબેઝનું જે કંટ્રોલ જે ડેટાબેઝ ઉપર જે આપણે કંટ્રોલ રાખવા માગતા હોઈએ છીએ તે આપણે DCL કમાન્ડ થ્રુ મીન્સ કે કરી શકીએ છીએ। ઓકે, નેક્સ્ટ એની અંદર યુઝ આવે છે તો કે જનરલી DCL કમાન્ડનો યુઝ DBML ઓકે કે DBML કમાન્ડ જોડે મીન્સ કે આપણે કરીએ છીએ। ઓકે, તો આની અંદર એવાથી કેવા કમાન્ડ છે કે જે આપણે ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ મીન્સ કે જે કમાન્ડ છે DBML એના જોડે કરીએ છીએ, તો સિમ્પલી DCLનો ત્યારે જ યુઝ થાય છે કે જ્યારે મીન્સ કે તમે ટેબલ ક્રિએટ કરો છો DBML કે DBMLના કમાન્ડનો યુઝ કરો છો ત્યારે DCL કમાન્ડનો યુઝ કરવામાં આવે છે। તો નેક્સ્ટ આવે છે કે એની અંદર કયા કયા મીન્સ કે કમાન્ડ આવે છે તે જોઈએ આપણે, તો એની અંદર ટોટલ 4 કમાન્ડ છે। સૌથી પહેલો આવે છે કમિટ, નેક્સ્ટ આવે છે રોલ બેક,
थर्ड आवे छे सेव पॉइंट, फोर्थ आवे छे रिवोक अने फिफ्थ आवे छे ग्रांट। ओके, आ जे फाइव कमांड छे ए तमे डीसीएल ની અંદર મીન્સ કે કરી શકો છો। તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ કે કમિટ, રોલ બેક, સેવ પોઈન્ટ, રિવોક એન્ડ ગ્રાન્ટ કમાન્ડ છે તે ડીક્યુએલ ની મીન્સ કે ડીસીએલ ની અંદર કઈ રીતે વર્ક કરે છે। સૌથી પહેલો આપણે કમાન્ડ લઈએ કમિટ। તો કમિટ નો યુઝ શું કામ કરીએ છીએ? તો સેવ વર્ક કે તમે જે પ્રેક્ટિકલની અંદર તમે જે ટેબલ ક્રિએટ કરાયેલું છે એની અંદર તમે જે ડેટા ફેચ કરાવો છો અને એ ડેટાને તમે સેવ કરો છો અથવા સેવ કરવાનું તમે ભૂલી જાઓ છો, તો એ ડેટાનું જે વર્ક છે એ વર્કને મીન્સ કે પરમેનન્ટલી સેવ કરવાનું મીન્સ કે યુઝ કરે છે। જ્યારે બી તમે મીન્સ કે જે ટેબલ છે એને તમે સેવ કરવાનું મીન્સ કે ભૂલી જાઓ છો ત્યારે જો તમે કમિટ એટલે કે કમિટ નામની મીન્સ કે ક્વેરી લખેલી હશે તો એ તમારી અંદર મીન્સ કે સેવ વર્ક પરમેનન્ટલી મીન્સ કે એ ટેબલ ઓટોમેટિકલી મીન્સ કે સ્ટોર થઈ શકે છે। નેક્સ્ટ આવે છે કે રોલ બેક। કે રોલ બેકનો યુઝ તમે શું કામ કરો છો? તો અન્ડુ વર્ક એન્ડ રિસ્ટોર ડેટા। નેક્સ્ટ એની અંદર આવે છે કે ડેટાબેઝ પ્રીવિયસ ટુ ડેટા। તો આ બંને રીતે મીન્સ કે રોલ બેક કમાન્ડ વર્ક કરે છે। તો અન્ડુ વર્ક, તો સિમ્પલી તમને હું કહું તો તમે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ એક ફાઇલ બનાવેલી છે, ઓકે, એ ફાઇલ તમારી અંદર તમે કોઈ સી ડી કે ઈ ડ્રાઈવમાં સેવ કરેલી હશે તો ભૂલથી મીન્સ કે તમારી ફાઇલ ડિલીટ થઈ જાય છે, ઓકે, તો એ ડિલીટ થયેલી ફાઇલ તમારે ક્યાં જાય છે? કે રિસાયકલ બિનની અંદર મીન્સ કે સ્ટોર થાય છે। જ્યાં સુધી તમે રિસાયકલ બિનને બી એમ્પ્ટી કરતા નથી ત્યાં સુધી મીન્સ કે તમારી જે ફાઇલ છે એ તમે એની અંદર રાખી શકો છો। તો એ જ રીતે પછી જો તમારે ફાઇલની જરૂર પડે તો તમે એને રિસ્ટોર કરીને મીન્સ કે જે તે મીન્સ કે ફોલ્ડરમાં હશે એ ફોલ્ડરમાં જતી રહે છે। તો એ જ રીતે રોલ બેક બી વર્ક કરે છે કે તમારો જે ડેટા છે એ ભૂલથી બી મીન્સ કે ડિલેટ થઈ ગયેલો હશે તો માય એસક્યુએલ જે સોફ્ટવેર છે એની અંદર જે ફોલ્ડર આપેલું હોય છે એની અંદર સ્ટોર થયેલો હોય છે અને એ ડેટાને તમે ફરીથી રિસ્ટોર કરી શકો છો। અને અન્ડુ વર્ક એટલે કે તમારું જે વર્ક છે એને તમારે મીન્સ કે જે ડેટા છે એને અન્ડુ કરવો હોય ત્યારે એ ડેટાને તમે મીન્સ કે અમુક જે ડેટા છે એને બી તમે અન્ડુ કરી શકો છો। ઓકે, નેક્સ્ટ આવે છે ડેટા પ્રીવિયસ ટુ ડેટાબેઝ। એટલે કે ડેટાબેઝમાં તમે પ્રીવિયસ ડેટાનો યુઝ કરવો હોય તો તમે રોલબેક કમાન્ડનો યુઝ કરી શકો છો। થર્ડ આવે છે સેવ પોઈન્ટ। સેવ પોઈન્ટ કઈ રીતે વર્ક કરે છે? તો આઇડેન્ટિફાયર સેવ પોઈન્ટ ટુ અ ટ્રાન્ઝેક્શન। ઓકે, સોરી, સેવ પોઈન્ટ ની પોઈન્ટ ઇન અ ટ્રાન્ઝેક્શન। નેક્સ્ટ આવે છે ટુ વીચ વર્ક કેન બી અનડન। ઓકે, તો સેવ પોઈન્ટનો યુઝ આપણે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ અથવા આઇડેન્ટિફાય પોઈન્ટ કરેલા હોય છે અને ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં મીન્સ કે આપણને હેલ્પ કરે છે, તો જે પોઈન્ટ પરથી તમે વર્કને અનડન કરી શકાતું નથી અને તે પોઈન્ટને તમે આઇડેન્ટિફાય કરવા માટે મીન્સ કે આઇડેન્ટિફાય કરવા માટે તમે સેવ પોઈન્ટનો યુઝ કરી શકો છો, એટલે કે સેવ કમાન્ડનો યુઝ કરી શકો છો।
नेक्स्ट कमांड आवे छे ग्रांट कमांड। कमांड नो यूज मीन्स के आपणे डेटाबेस ने एक्सेस करवा माटे मीन्स के करिए छे। एटले के ग्रांट कमांड नो यूज शू थाय छे, तो तमे डेटाबेस नी अंदर मीन्स के माय एसक्यूएल नी अंदर जे डेटाबेस स्टोर करायेलो छे एने तमारे एक्सेस करवो होय त्यारे तमे ग्रांट कमांड नो मीन्स के यूज करी शको छो। नेक्स्ट आवे छे के रिवोक। रिवोक कमांड नो यूज तमे शू काम करो छो, तो डेटाबेस पर आपेला जे एक्सेस रिमूव करवा माटे जे डेटाबेसना जे एक्सेस आपेला होय छे, ओके, डेटाबेस तमे जे क्रिएट करो छो एनी ऊपर अमुक एक्सेस आपवामां आवे छे अने ए एक्सेस ने रिमूव करवा माटे रिवोक कमांडनो मीन्स के आपणे यूज करीए छीए। तो टोटली मीन्स के आपणे प्रीवियस लेक्चरमां डीडीएल डीबीएमएल कमांड विषे मीन्स के जो इन्फॉर्मेशन लीधी थी, आजे आपणे डीक्यूएल डीसीएल विषे इन्फॉर्मेशन लीधी अने नेक्स्ट आवे छे फिप नंबरनो कमांड छे जे टीसीएल एटले के ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के जेनो यूज थाय छे एसक्यूएल नी अंदर। आनी अंदर भी जे कमांड आवे छे अने ते ज कमांड छे ते आपणे जे डीसीएल कमांड नी अंदर जोया ते टीसीएल कमांड मीन्स के यूज करे छे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स के आपणे जोईशुं के आजना मीन्स के आपणा सेशन में मीन्स के आपणे कम्पोनंट्स विषे मीन्स के आपणे कम्प्लीट कर्युं, तो हवे आपणे जोईशुं के सीम्पल आपणे के एसक्यूएल ना जे डिफरंट जे टाइप छे एने आपणे कई रीते मीन्स के एनी अंदर एड कराई शकीए छे के एसक्यूएल नी अंदर एना विषे मीन्स के आपणे स्टडी करीशुं। तो जय श्री स्वामीनारायण।